आज हमने बिना फर्मेंट किए मिक्स दाल और चावल का एकदम टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाया है और साथ में दो तरह की चटनी बनाई है। ये नाश्ता एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनता है और चटनी भी एकदम टेस्टी और चटपटी बनती है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं एकदम सॉफ्ट और स्पंजी दाल और चावल का नाश्ता। आधा कप चावल को बाउल में डाल देंगे। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक या मोटा वाला चावल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बासमती चावल नहीं लेना है। आधा कप चना दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप उड़द दाल, एक टीस्पून मेथी दाना। पानी डाल के इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लेते हैं। दाल और चावल को 4 बार पानी डाल के धो लिया है, अभी इसमें पानी डाल देंगे। दाल चावल अच्छे से अंदर डूब जाए इतना पानी हमें डालना है। दाल और चावल को 4 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। इसे मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ क्योंकि ये बाउल छोटा है तो इसमें भीगेगा नहीं। इसमें पानी डाल देंगे। मैंने इसमें 3.5 कप पानी डाला है और अभी हम इसे 3 से 4 घंटा भिगोने के लिए रख देते हैं। ऊपर ढक्कन लगा के इसे भिगोने के लिए रख देते हैं। आधा कप पोहा लिया है, इसे एक बाउल में डाल देंगे। 2 से 3 बार इसे पानी से अच्छे से धो लेते हैं। पोहा को 3 बार पानी से धो लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ढक्कन लगा के इसे 10 से 15 मिनट भिगोने के लिए रख देते हैं और आप देख सकते हैं दाल और चावल अच्छे से भीग गया है। यही नाश्ता आप सुबह में बनाना चाहते हैं तो इसे रात को भिगो के रख सकते हैं और सुबह में फिर इसे मिक्सर जार में पीस के इसका बैटर बना के नाश्ता बना सकते हैं। अभी हम इसका पानी निकाल लेते हैं और एक बार इसे अच्छे से पानी से धो लेते हैं। दाल और चावल को 1 बार पानी से धो लिया है। इसे हम आधा आधा मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे क्योंकि एक साथ में इतना सारा पीसने को नहीं होगा। अभी मैं आधा इसमें डाल देती हूँ। आधा कप खट्टा दही लिया है, इसमें से हम 1/4 कप जितना डाल देंगे और दूसरा हमने दाल चावल आधा रखा है, इसमें ये 1/4 कप दही डाल के इसे भी पीस लेंगे। इसे क्रॉस कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे हमें थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करना है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आधा बचा हुआ दाल चावल हमने यही मिक्सर जार में डाल दिया है और बचा हुआ 1/4 कप दही भी डाल देंगे। पोहा हमने भिगो के रखा था, ये भी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। इसे भी क्रश कर लेते हैं। इसे भी ग्राइंड कर लिया है तो इसे बाउल में निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, ये डाल देंगे अंदर। ये बैटर बनाने में मैंने 1/4 कप और 2 टेबलस्पून जितना पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक फेंट लेते हैं। एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है। बैटर को मैंने अच्छे से 5 मिनट फेंट लिया है और बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी में डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है, आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा हमें बैटर बनाना है। 2 टीस्पून नमक डालेंगे या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल डालने से ढोकला एकदम सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
मुझे इस पे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं एक टीस्पून नमक और डाल रही हूँ। आप पहले टेस्ट कर लीजिए फिर बाद में नमक डालें। इस बैटर को आप 3 से 4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी चाहिए तभी गर्मा गर्म नाश्ता बना के सर्व कर सकते हैं। अभी मैं इसमें से आधा बैटर ले रही हूँ। जितना हमें बनाना है उतने में ही हमें इनो डाल के मिक्स करना है। ढोकला बनाने के लिए थाली को पहले हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तेल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बैटर हमने दूसरे बाउल में निकाला था, इसमें हम 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेन इनो लिया है, 1 टीस्पून इनो डालेंगे। अच्छे से इसे फेंट लेते हैं। आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से फूल गया है। तेल से हमने ग्रीस किया है, ये थाली में डाल देंगे। इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे। इसे टैप नहीं करना है नहीं तो ढोकला जो है वो फूलेगा नहीं। पर हम थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर लिया है, ये थोड़ा डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर एकदम थोड़ा थोड़ा ऊपर स्प्रिंकल करना है इस तरह से। ढोकला का स्टैंड लिया है, इसके अंदर ये थाली को रख देंगे। स्टीमर को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी जो है वो बॉईल हो रहा है। ये ढोकला का स्टैंड हम अंदर रख देंगे। आप इसे कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं। ढक्कन लगा के इसे 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेते हैं। लहसुन की चटनी बनाएंगे। 15 से 16 लहसुन की कली ली है। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक। क्या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे रफली ग्राइंड कर दिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप किया है, ये डाल देंगे और इसे एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। चटनी को एकदम स्मूथ ग्राइंड कर दिया है। ढोकला को मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम किया है। नाइफ डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं नाइफ एकदम क्लीन है तो ढोकला जो है वो कुक हो गया है। तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। गरम ढोकला के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। इसके ऊपर अगर आपको राय का तड़का करना है तो आप तड़का भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे तो ये ड्राई नहीं होगा। दो मिनट इसे ठंडा होने देंगे, बाद में इसे कट करना है। कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डालेंगे, 1 पिंच हींग। चटनी हमने बनाई है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे चटनी को तेल सेपरेट हो जाए तब तक कुक कर लेते हैं। टमाटर का पानी सूख गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। हमें लहसुन की कचास जो है वो दूर करनी है। मैंने इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। मिक्सर जार में 1/4 कप पानी डाल के ले लिया था, ये अंदर डाल देंगे। चटनी आपको जितनी गाढ़ी या पतली बनानी है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेते हैं इसे। चटनी को मैंने 2 से 3 मिनट कुक कर दिया है और आप देख सकते हैं उसमें बबल्स भी हो रहा है। गैस ऑफ कर देंगे। लहसुन की चटनी रेडी है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ढोकला को कट कर लेते हैं। जहां से हमने कट लगाया है वहां से ही इसे पलटे से निकालेंगे। आप देख सकते हैं ढोकला एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। दूसरी एक चटनी बनाएंगे, एकदम स्पाइसी और चटपटी ग्रीन चटनी बनाएंगे। 2 हरी मिर्च मैंने तोड़ के मिक्सर जार में डाल दी है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे चॉप करके डाल देंगे।
ढोकला हमने बनाया है, इसका 3 से 4 पीस अंदर डाल देंगे। आधा कप हरा धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून दही, फ्रेश दही लिया है हमने, आधी टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी, 20 से 25 फुदीने के पत्ते लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आधा नींबू का रस डाल देंगे। ये चटनी थोड़ी तीखी बनानी है, इसे पहले थोड़ा ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, फिर पानी डाल के ग्राइंड करना है। रफली ग्राइंड कर दिया है, 1/4 कप पानी डाल के स्मूथ ग्राइंड कर लेते हैं। इसे एकदम स्मूथ ग्राइंड कर दिया है, एक बाउल में निकाल लेते हैं। रेड चटनी और ग्रीन चटनी दोनों रेडी है। दाल और चावल का एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता और साथ में रेड चटनी और ग्रीन चटनी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।